प्यारे देशवासियों, आज के संबोधन में मैं खुलासा करूंगा आपके सामने दिल्ली में हो रहे सब रजिस्ट्रारों के द्वारा किया जा रहा बड़ा घोटाला। माननीय केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी से निवेदन है कि वो इस बात को सुने और जरूरी कानूनी कार्रवाई करें। मेरी जानकारी में जो खुलासे आए हैं वो सब रजिस्ट्रार रोहिणी और सब रजिस्ट्रार पीतमपुरा, सब रजिस्ट्रार रोहिणी श्री अनिल मलिक जी और सब रजिस्ट्रार पीतमपुरा संदीप डबास जी, जिनके कार्यकाल के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर घोटाले हो रहे हैं और जनता को लूटा जा रहा है मिडल मैन के थ्रू। इसका एक उदाहरण मैं देता हूं, जो बिल्डिंग अवैध कंस्ट्रक्शन की वजह से ऑनलाइन बुक हो जाती है, जिसका 1% भी आंकड़ा नहीं है, उस बिल्डिंग के ऊपर बुक होने के बाद अगर वो 2007 से पहले से बुक है तो उसके ऊपर 35,000 रुपए पर फ्लोर रजिस्ट्री का लिया जाता है रिश्वत के तौर पर, एक्सट्रोजन के तौर पर। और अगर 2007 से बात की वो रजिस्ट्री अवैध निर्माण है तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए पर फ्लोर के हिसाब से मिडल मैन के थ्रू एक्सट्रोड किया जाता जनता को, नहीं तो उनके डॉक्यूमेंट पे लाल रंग की मोहर लगा दी जाती है। इस बात की जांच इसी से करी जाती है कि जितनी भी सील्ड प्रॉपर्टी हैं और जो पिछले 10 साल के अंदर 12 साल के अंदर इन रजिस्ट्रारों से हुई हैं उसके अंदर उनकी उनके लिए देखा जाए कितने पे लाल मोहर लगी है और कितने पे नहीं लगी है। इसी से ही आपके सामने आ जाएगा किस तरीके का भ्रष्टाचार घोटाला रोहिणी के और पीतमपुरा के सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में हो रहा है। दूसरी चीज, जो खसरे नोटिफाइड होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या जिनके खसरा नंबर फर्क होता है, उन खसरों में भी 15 से 20 हजार पर रजिस्ट्री ये लोग लेते हैं और डॉक्यूमेंट राइटर उसके अंदर खसरा नंबर ही नहीं लिखता। इस तरह घोटाला हो रहा है रोहिणी के अंदर। ये बात सामने आई है कि जो 32 मीटर 60 मीटर 90 मीटर के ऊपर के जो प्लॉट हैं जिनमें दुकानें बनी हुई हैं, छज्जे बाहर निकले हुए हैं, उनके अंदर भी ये जो है 5,000 से लेके 50,000 के बीच के अंदर पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, थर्ड फ्लोर रजिस्ट्री करने के 50,000 रुपए लेते हैं और ये एक बड़ा घोटाला है। इसलिए मेरी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन है कि वो इसके ऊपर संबंधित एक लेटर जांच के लिए सीबीआई को लिखे, माननीय पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक जी को लिखे, ताकि जनता के द्वारा जनता के साथ हो रही इस लूट का खुलासा हो सके और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और इनके संबंधियों की संपत्तियों की भी जांच, बैंक खातों की जांच हो सके कि इनका किन किन प्रॉपर्टी डीलर से संबंध है, इनके मोबाइल नंबर का भी इनकी जांच हो सके और उनकी लोकेशन देखी जाए, मोबाइल लोकेशन देखी जाए, उनकी कॉलर निकाली जाए कि इनका किन किन लोगों से संबंध है और ये कहाँ कहाँ रहती हैं। जय हिंद, जय भारत।